15 अगस्त के संबंध में SSP जलंधर दिहाती ने फलौर के वख-वख थावां दा कीता निरीक्षण। यतन दस दिए कि अज नवीन सिंगला IPS SSP जलंधर दिहाती वालों थाना फलौर के पुलिस कर्मचारियों नूं नाल लैके फलौर के रेलवे स्टेशन बस अड्डिया तहसील कंपलैक्स और होर थावां दा डॉग स्क्वैड नाल निरीक्षण किया। इस मौके पत्रकारों नाल गलबात करदिआं श्री सिंगला ने कहा कि यह निरीक्षण 15 अगस्त दिवस के संबंध में किया जा रहा है और साढ़े वालों पूरे इलाके दिन रात की गश्त बधाई गई है। उन्होंने नाल ही कहा कि समूह पुलिस कर्मचारियों को हिदायतें जारी कर दी हैं कि दिन रात की गश्त होर तेज़ की जाए और उन्होंने नूर महल कतलकांड बारे पूछे सवाल बारे भी उन्होंने कहा कि यह कतल घरेलू रंजिश कारण होया है। कातल की पहचान हो गई है, जल्दी ही कातल काबू कर लिया जाएगा। श्री नवीन सिंगला ने कहा है कि जिले के सारे थाणियां और पुलिस चौकियों गश्त करने संबंधी हिदायतें जारी कर दी गई हैं। इस मौके DSP फलौर हरनील सिंह, SHO फलौर सनवीर सिंह, ASI परमजीत सिंह, GRP पुलिस चौकी इंचार्ज धर्मपाल, थानेदार शिंदर सिंह, सिपाही कमलजीत मौके पर मौजूद सन। AP न्यूज़ पंजाबी लई फलौर तो सतिंदर सिंह प्रापल की विशेष रिपोर्ट। इंडिपेंडेंस डे नू लैके असी जिहड़ी चैकिंग वधाई है उहदे विच जिले के सारे SHO सारे GO और सारे चौंकी इंचार्ज एरिया दे विच बाहर है ते उस दे विच असी रेलवे स्टेशन बस स्टैंड क्राउडेड प्लेसिस वल्नरेबल पॉइंट जिन्ने भी हैं उहदे विच चैकिंग कर रहे हैं। एंटी सबोटेज चैकिंग इत्थे जिवें अज मैं चैकिंग कीती है फलौर रेलवे स्टेशन की इहदे विच असी डॉग मंगाया है ते एरिया नू डोमीनेट किया जा रहा है। तकरीबन 1200 के करीब पुलिस मुलाजम जोड़े है अभी मोबिलाइज किए हैं इंडिपेंडेंस डे को लैके। एक मैं जनता को यह भी अपील करना चाहना कि अनक्लेम्ड बैग या कोई लवारिस वस्तु मिलती है तो वो जी सूचना है कंट्रोल रूम या हेल्पलाइन नंबर से दी जाए ता जो जरा करंट सिनेरियो है वो असी बैग की आइडेंटिफिकेशन करिए कार्रवाई करिए।
ਸਰ ਅੱਜ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਗੋਲੀ ਚੱਲਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆਇਆ, ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਇੰਨੀ ਟਾਈਟ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਹੈਗੇ ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਨੋਨ ਸੀਗਾ, ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਘਰ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰਸਨਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਚਲਾ ਕੇ ਗਿਆ ਗੋਲੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੜ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ, 300 ਕਰੋੜਾ ਉਸ 'ਚ ਮੁਕਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਪਰਸਨਲ ਐਨੀਮਿਟੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਗੈਂਗਸਟਰ ਰਿਲੇਟਡ ਜਾਂ ਹੋਰ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰ ਇੱਕ ਫਲੋਰ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਦੋ ਦੋ ਚਾਰ ਚਾਰ ਪਰਚੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੈਗੇ ਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਆ, ਸਿਰਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਰਹੀ ਸਰ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਪੁਲਿਸ? ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਮੀਟਿੰਗ ਆਪ ਕਰਕੇ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨੈਸੈਸਰੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਲਕਾ DSP ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਸਿਰਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੰਦੇ ਵੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ।